पिछले दिनों चौक में एक व्यापारी से रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें रोशन गुप्ता और किट्टू बाबू नाम के अपराधी का नाम प्रकाश में आया था। 2015 में एसटीएफ से एक मुठभेड़ में रोहित सिंह सानी नाम के अपराधी की मृत्यु हुई थी। उसी गैंग का ये सदस्य रोशन गुप्ता भी था और उसी गैंग का सदस्य मोनी उर्फ चौहान भी था। ऐसे में इस टीम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया, इसके ऊपर 1,00,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। ये बहुत ही शातिर अपराधी है जिसके ऊपर लगभग 3 दर्जन मुकदमे हैं, जिसमें से 1 दर्जन से अधिक मुकदमे सिर्फ और सिर्फ हत्या या हत्या के प्रयास के हैं। कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के ऊपर ये गोली मार चुका है, उनको पहल कर चुका है। तो ये बड़ी चिंता की बात थी। टीम ने इसे बहुत ही बड़े चैलेंज के रूप में लिया। पिछले दिनों से सघनता से इसकी तलाश की जा रही थी, इसके पास वेपन्स होने की संभावना थी। आगामी देव दीपावली के संबंध में सघनता से यहाँ जब चेकिंग की जा रही थी, तो ये इस अपराधी को यहाँ पर दौड़ाया गया, क्योंकि इसने पुलिस टीम पर फायरिंग करी, तो पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग करी, उसमें अभी इस अपराधी की मृत्यु हो गई है। इसका एक साथी भी था जिसकी तलाश की जा रही है, चारों तरफ कॉम्बिंग के लिए बोल दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में जो एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम है, उसमें इंस्पेक्टर अश्विनी पांडे और इंस्पेक्टर जैतपुरा शशिपुरा, सीओ क्राइम का बहुत अहम भूमिका अमरीश सिंह बघेल की रही, और वेद प्रकाश और इनकी पूरी टीम के एक एक सदस्य को बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिद्ध हस्त अपराधी था। और आप जैसा मैंने बताया कि लगभग 3 दर्जन मुकदमे की हिस्ट्री निकल करके आई है, ऐसे में लंबे समय से अपराध जगत में सक्रिय था, तो टीम ने एक अच्छा काम किया है। और इसकी और भी क्रिमिनल हिस्ट्री की हम तलाश कर रहे हैं, और टीम को शासन की तरफ से 2,00,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है और टीम को बधाई दी। कुछ जवानों को भी, 2 हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिनसे मैं मिल करके आया, उनको सिंह मेडिकल में एडमिट कराया गया है। उनका जीवन खतरे के बाहर है, लेकिन उनको गोली लगी है और उनको जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो ICU में शिफ्ट कराया जाएगा। और उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया, उनको लिए भी जो है इनाम की संस्तुति की।